नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम बुंदेलखंड कॉलेज पर खड़े हैं, चौराहे पर देख सकते हैं पार्क को। क्रांतिवीर डॉक्टर भगवान दास महौर की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि अमर शहीद जो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 2 दिन का लगाया है। आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं, रोड सुनसान पड़ी हुई है। पुलिस होमगार्ड अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए एक ग्वालियर जाने वाला मार्ग है, देख सकते हैं सारी शॉप सूनी पड़ी हुई है। ये सीपरी की तरफ जाने वाला मार्ग है, जो कि सारी दुकानें इस समय बंद हैं। प्रशासन बड़ा चुस्त है, दुरुस्त है, अपना ड्यूटी का निर्वहन करते हुए। सारे पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए पूरी ड्यूटी का निष्ठा कर्तव्य से पालन करते हुए देख सकते हैं, मुस्तैद हैं ड्यूटी पर अपनी। जो बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, जो फालतू लोग निकल रहे हैं जिसका कोई काम भी नहीं है, उनको समझाते हुए, उनको हिदायत देते हुए, कोई हेलमेट लगा के नहीं निकल रहा है, कोई बिना काम के ही निकल पड़ रहा है घर से, ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना महामारी ज़्यादा फैल चुकी है, आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। प्रशासन सघन चेकिंग करते हुए लोगों को समझाते हुए कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि हम दवा लेने गए थे, कोई बहाना बनाता है कहीं गए थे, सारे लोग बहाने बना बना के घर से निकल रहे हैं, देख सकते हैं। लोगों के पास बहाना, नए नए बहाने होते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, ये नहीं समझते हैं कोरोना महामारी ज़्यादा फैल चुकी है। अगर हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं, अपने बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। हम मार्केट समाज से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी को सख्ती से निभाते हुए, लोगों को समझाते हुए, हर व्यक्ति नया नया बहाना बना रहा है, हम दवा लेने गए थे, कहीं इधर गए थे, देख सकते हैं। फिर भी प्रशासन हिदायत देते हुए कुछ लोगों को सच्चाई देखकर जाने दे रहे हैं। धन्यवाद। रिपोर्ट अनिल मौर्य, झांसी।